आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला अस्पताल में 3 लोगों के शवों को पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में लाया गया एवं पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां जिले के नरोजाबाद थाना क्षेत्र के सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट के दौरान सिंहपुर निवासी कल्याण सिंह और सुमित्रा सिंह की मौत हो गई एवं घायलों को हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं चपाव पुल माइंस बाउंड्री वॉल के भीतर नेगवा टोला निवासी मिथुन बैगा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया एवं जिला मुख्यालय स्थित पुराने बस स्टैंड में कैंप मोहल्ला निवासी बाबू कोर का शव मिला है। इस दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर केसी सोनी ने बताया कि पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में 3 लोगों के शवों को जिला अस्पताल लाया गया एवं पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एसडीओपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला अस्पताल उमरिया में 3 लोगों के शवों को लाया गया एवं पीएम कार्रवाई के बाद शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जहां घटना के संबंध में जांच कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि जिले में 4 लोगों की मौत हो जाने का बड़ा मामला सामने आया है जिस पर पुलिस टीम के द्वारा जांच कार्रवाई जारी है। पीसी उमरिया से संघर्ष की खास रिपोर्ट। जिले में इस समय लगातार जो है लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी तारतम्य में अभी 3 लोगों की लाश पुलिस द्वारा एकत्र करके और उमरिया हॉस्पिटल लेके आया गया है और उसका पीएम वगैरह करवाया जा रहा है। पीएम के बाद जिन लाशों की शिनाख्ती हो गई है उन्हें उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। उमरिया में लगातार इस प्रकार की मौतें हो रही हैं और कुछ अज्ञात मौतें हो रही हैं जिनका पुलिस कार्रवाई में जुटी। शाला में मतलब 300 की आमद हुई है जिसमें की 2 एक्सीडेंट के हैं और एक अज्ञात रूप से उमरिया का कैंप निवासी के सर्वास हो गया। इन सब के विषय में जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जो एक्सीडेंट के मामले हैं उसमें पुलिस ने मार्ग कायम किया और जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी उसके अनुसार प्रकरण करती है। परंतु जो बस स्टैंड में एक शव मिला है उस चिन्हित हो गया है उमरिया का ही रहने वाला है। उसी किन परिस्थितियों में मौत हुई जब जाँच कर सकें निश्चित रूप से ये भीषण गर्मी में दुर्घटना और तरीके से अकाल मौत हो रही है उससे गंभीर बात है। हम शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो गर्मी भीषण पड़ रही है उसमें कुछ सुरक्षा के उपाय बताए जाएँ, चिकित्सा के उपाय बताए जाएँ। वहीं पुलिस से भी आग्रह है कि जो तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं उनमें प्रतिबंध लगाने की जो भी सकारात्मक कार्य लाशें मिली हैं जिन्हें जिला अस्पताल उमरिया लाया गया है और वहाँ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के पश्चात पंचनामा और पोस्टमार्टम करने के पश्चात लाशों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अब आगे की जो विवेचना है वो पुलिस करेगी और उनके जो मौत का कारण है क्या है ये जांच करने का विषय है और निश्चित रूप से पुलिस जांच करेगी और मौत का कारण जानने का प्रयास करेगी कि जो घटनाएं हैं चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे हीट वेव के कारण हो हीट वेव के कारण हो या किसी और कारण से हो वो मृत्यु दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है दुर्घटनाओं से और जो प्राकृतिक मृत्यु है उसकी घटनाएं हमारे जिले के अंदर बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय उमरिया में 3 अलग अलग जगह में हुई घटनाओं के कारण डेड बॉडीज को लाई गई थी। उन तीनों का पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से करवाई जा रही है और इन तीनों शवों को पोस्टमार्टम करने के पश्चात तो उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आगे कार्रवाई चल रही है। सूचना दिए हैं उमरिया जिले में अस्पताल के यहाँ से एम्बुलेंस आई है फिर ले गए चपाकालीन के अंदर मिला था पैसा फिलहाल चपाकालीन के अंदर पाई गई अस्पताल में ले आए से एक कमांडर आ रही थी गुलगुली बाजार तो उसी बीच कमांडर का आगे वाला टायर दाहिना टायर फट गया। उसी वजह से जो है कमांडर पलट गई और उसमें से कुछ लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ तक जिला अस्पताल में लाया गया था और एक जो दादाजी थे जो 70 वर्षीय थे वो वहीं गुगली हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए हैं और बाकी को यहाँ इलाज चल रहा है। एक महिला थी गांव सिंहपुर की सुमित्रा बाई पति रमक थी
वो यहीं एक्सपायर हुए हैं और एक जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में तो उसको जबलपुर रेफर कर दिया। घटना पर घटना हो रही है, अभी हाल ही में चपा के पास एक लाश मिली थी, है ना, जो भी अज्ञात थी, और ये भी एक बाबू कोल नाम के अभी पुराना बस स्टैंड में वर्तमान में ही लाश पड़ी हुई है। यानी प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है इस समय, आए दिन बहुत सारे घटनाएं हो रही। कैंप में रहता था और आज सुबह हम लोगों को जानकारी हुई, यहाँ देखे कि ये खत्म हो गया है और भूखे प्यासे मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं, आँख में दिक्कत भी नहीं था और काफ़ी गरीब था ये, तो ये पहले कहीं कचरा चढ़ा ये गिनता था पन्नी नहीं, अब दिखता भी नहीं था, तो हो सकता ना बीन पाया ओपन ये नहीं, तो लेटर रात में। चिकित्सालय उमरिया में तीन लोगों को संदिग्ध हालत में मृत होने पर लाया गया है, जिनकी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है, जिसमें सुमित्रा सिंह सिंहपुर थाना नौरोजाबाद की रहने वाली है, मिथुन बैगा नहिमा टोला उमरिया के रहने वाले हैं और बाबू कोल ये कैंप उमरिया के रहने वाले हैं। इन सबके संबंध में पंचनामा कार्रवाई की गई है और सौ परीक्षण रिपोर्ट आने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।